Good morning all of you. Today's topic is nitrogen cycle. आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में और उसकी स्टेप्स के बारे में। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, नाइट्रोजन का मूवमेंट होता है कहाँ से, एटमॉस्फेयर से सॉइल में और फिर वापस सॉइल से एटमॉस्फेयर में, इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो सॉइल में मूव करती है, फिर उसके बाद सॉइल से एटमॉस्फेयर में मूव करती है, इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। अराउंड 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, पर क्या होता है, प्लांट इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए इसको पहले सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है थ्रू नाइट्रोफाइंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा। अब क्या अगली चीज़ है, अगली चीज़ है सप्लाई, जो नाइट्रोजन की जो सप्लाई होती है वो प्लांट में जो होती है वो किस साइकिल के थ्रू होती है, वो नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू ही सप्लाई होती है। मैं आपको बताऊंगा नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, मतलब व्हाट आर द स्टेप्स इन नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहला होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, दूसरा होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, तीसरा होता है अमोनिफिकेशन, चौथा होता है नाइट्रिफिकेशन, पाँचवा होता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये पाँचों ही स्टेप जो होती हैं नाइट्रोजन साइकिल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, सबके अपने अपने रोल होते हैं और सब में अलग अलग बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली जो स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल में वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, N2 कन्वर्ट होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है किसमें, अमोनिया में। जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, सबसे पहला होता है राइजोबियम, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ में, लेगुमिनस प्लांट के साथ में। दूसरा हमारा बैक्टीरिया है वो है फ्रेंकिया, वो क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ में, नॉन लेगुमिनस प्लांट के लिए। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे नॉस्टॉक। एक और बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है वो है अजोटोबैक्टर। और हमारी दूसरी स्टेप जो होती है नाइट्रोजन साइकिल में वो होती है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स होता है इनटेक, किसी भी चीज़ को लेना। अब क्या होता है, जब हमारी N2 जो कन्वर्ट हो जाती है NH3 में, उसके बाद में क्या होता है, ये NH3 एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट्स के द्वारा, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। अब यही जो नाइट्रोजन है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाई जाती है। अब हमारी तीसरी स्टेप जो होती है नाइट्रोजन साइकिल में वो है हमारी अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन जो होता है नाइट्रोजनस नाइट्रोजन का, डेड प्लांट और एनिमल का, उसका कन्वर्ट होता है किसमें, अमोनिया में। कहने का मतलब ये है, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टेड इनटू अमोनिया इज नोन एज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सबसे पहला है हमारा सुडोमोनास, दूसरा है हमारा बैसिलस रेमोसस। अब अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। यह पहला हमारा हो गया सुडोमोनास, दूसरा हो गया बैसिलस रेमोसस। अब ये रिएक्शन दी हुई है कैसे कन्वर्ट हो रहा है, डेड जो ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है डेड प्लांट और एनिमल की, उसकी रिएक्शन हो रही है किसके थ्रू, सुडोमोनास बैक्टीरिया जो होता है हमारा अमोनिफाइंग, और कन्वर्ट किस में होता है वो NH3 मीन्स अमोनिया। अब अगली स्टेप जो होती है हमारी नाइट्रोजन साइकिल में वो है नाइट्रिफिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें क्या होता है, सबसे इसमें बेसिकली नाइट्रिफिकेशन होता क्या है, नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, अमोनिया कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रेट्स में। ये जो जब नाइट्रेट जो कन्वर्ट होता है वो एक ही स्टेप में कन्वर्ट नहीं होता, इसमें बेसिकली दो स्टेप होती हैं। सबसे पहला होता है जो अमोनिया होता है वो कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में, दूसरी स्टेप में क्या होता है, जो नाइट्राइट्स होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रेट्स बनाते हैं और ये एनर्जी भी रिलीज करते हैं। जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है नाइट्राइट्स बनाने में वो होता है हमारा नाइट्रोसोमोनास, और जो बैक्टीरिया हमारा नाइट्रेट्स बनाने में इन्वॉल्व होता है वो होता है नाइट्रोबैक्टर। दीज आर ऑल्सो नोन एज नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ये कीमोटोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये अपनी एनर्जी होते हैं वो केमिकल एनर्जी से लेते हैं, अपनी जो रिएक्शन करते हैं वो केमिकल एनर्जी के थ्रू करते हैं। लास्ट स्टेप जो होती है हमारी नाइट्रोजन साइकिल में वो होती है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारा NO3 बनता है वो हमारा कन्वर्ट किसमें होता है, मतलब कहने वाला नाइट्रेट्स हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस नाइट्रोजन में।
इसी स्टेप इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डी नाइट्रिफिकेशन. द प्रोसेस इन विच नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस नाइट्रोजन इज नोन एज डी नाइट्रिफिकेशन. इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है माइक्रोब्स का जिससे कि नाइट्रिफिकेशन होता है. बैक्टीरिया जो कि इन्वॉल्व होते हैं डी नाइट्रिफिकेशन में, अपने पहला है हमारा सूडोमोनास डेंट्रिफिकस, दूसरा है हमारा थियोबैसिलस डेंट्रिफिकस. ये दोनों बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं किसमें, डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में. अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होता है जो हमारा नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट्स में, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड में, देन फॉर्म ऑक्सीजन फॉर्म में, देन उसके बाद में होता है ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिलीज हो जाता है किसमें, एटमोसफेयर में. अभी एक बेसिक स्टेप दी है, मतलब पूरी नाइट्रोजन साइकिल की एक बेसिक स्टेप दी है जिसमें दर्शाया गया होता कैसे कैसे. सबसे पहली स्टेप में मैंने आपको बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, एन टू जो होता है एटमॉस्फेयर में वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनिया में. इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक, अब दूसरे में क्या था हमारा, जब हम डेड ऑर्गेनिक मैटर जो था उससे हम अमोनिया बना रहे थे उसको क्या होता है, अमोनिफिकेशन. अब क्या था, जब हमारा अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स में तो क्या होता है हमारा, नाइट्रिफिकेशन. अब नाइट्रिफिकेशन के बाद में क्या होता है, जब नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एन टू फॉर्म में, तो आता है डी नाइट्रिफिकेशन. कहने का मतलब यही है, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो स्टेप इसमें होता है नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है, एन टू का एक्सचेंज होता है फ्रॉम एटमोसफेयर टू सॉइल और सॉइल टू एटमोसफेयर. लास्ट में ही हमें स्टार्टिंग भी हमारी एन टू से होती है और लास्ट भी हमारा एन टू फॉर्म से ही होता है. ये इसकी स्टेप है बेसिक, अगर आपको आप बनाना चाहें तो इसको भी बना सकते हैं एग्जाम में. अब लास्टली आता है डायग्राम, मतलब कैसे कैसे होता है. सबसे पहला एटमोसफेयर नाइट्रोजन होती है वो उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है भाई नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. उसके बाद में अमोनिफिकेशन होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है. फिर उसके बाद अमोनिया से हमारा नाइट्राइट्स बनता है मीन्स NO2 नेगेटिव. उसके बाद में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, मतलब ये भी नाइट्रिफिकेशन में ही इन्वॉल्व होती है. अब इसमें होता है नाइट्रेट्स बन जाते हैं हमारे नाइट्रेट्स. ठीक, नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है. फिर उसके बाद में डी नाइट्रिफिकेशन होता है, डी नाइट्रिफिकेशन में डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करते हैं. डी नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, एन टू फॉर्म होता है. उसके बाद वो रिपीट हो जाता है इसी फॉर्म में, मीन जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई है जिससे हुई है वहीं पर आके ख़त्म हो जाती है. यही हमारी पूरी नाइट्रोजन साइकिल है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकिल है.